श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सूजी की इडली देखिए कितनी अच्छी बनी है, स्पंची और फूली फूली, और ये नारियल की चटनी के संग हम खाएंगे। ये नारियल की चटनी बहुत टेस्टी बनी थी, तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप देख सकते हो। और हमारी इडली भी बहुत सुंदर बनी है, तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमने ले लिए हैं सूजी, आधा किलो के आसपास ये सूजी है। तो इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। देखिए, हमने नमक डाल दिए, तो अब मैं डालूंगी इसमें मठा। तो मठा को बहुत सी जगह में घोल भी कहते हैं, तो आपके पास फ्रेश मठा है तो पूरी फ्रेश मठा में ही आप घोल बना लीजिएगा। और मेरी मठा जो है थोड़ी सी खट्टी थी, तो इसलिए मैं इसमें दही मिलाऊंगी। एक कटोरी में दही मिला रही हूँ, क्योंकि खट्टी दही हो या खट्टी मठा हो, उसी से आप पूरी बेटर बनाओगे तो आपकी बेटर जो है खट्टी हो जाएंगी और आपको इडली खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, हमने एक कटोरी इसमें दही मिक्स कर दी है, तो अब मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो इस उसी दही की बर्तन में पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के हमने एक अच्छे से बेटर बना लेंगे। तो देखिए, हम मिक्स कर देंगे। और ये जो बेटर मैं बना रही थी रात में, आई थिंक रात की 11 बज रही थी, और हम रेस्ट पे रख देंगे इसको पूरी रात। तो कोई भी गर्म जगह पे रख दीजिएगा, या कोई भी गर्म कपड़ा इसमें लिपट के रख दीजिए, तो हमारी सूजी अच्छे से फूल जाना चाहिए। तो देखिए, हमने रात में देखिए ढक के रख दिए, तो आटा की बर्तन में। तो अब देखिए, हमारी बेटर देखिए कितनी अच्छी बन चुकी है, फूल चुकी है, कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी है। तो अब देखिए, मैं इसमें मिला रही हूँ एक पाउच इनो। तो जब भी आप इडली बनाए थोड़ी देर पहले ही, जब भी आप बनाने वाली हो थोड़ी देर पहले ही, आप इडली ये मतलब इडली की बेटर में एक पाउच इनो मिला दीजिएगा, तो आपकी इडली जो है बहुत फूली फूली और स्पंची बनेगी। तो देखिए, हमने इडली का बर्तन ले लिए, तो उसमें हमने तेल भी लगा दिए। आसानी से हमारी इडली जब पक जाएंगे आसानी से निकल आए, इसलिए हमने थोड़ा सा तेल लगा दिया सारे बर्तनों में। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देंगे इसमें इडली की बेटर। तो हमारी इडली की बेटर देखिए कितनी सुंदर बनी, बहुत सुंदर। अगर आप गर्मी में बना रहे हो तो एक दो घंटा पहले इस बेटर को रेडी कर लोगे, तो एक दो घंटा में हमारी सूजी जो है फूल जाएंगे और अच्छी आपकी बेटर बनके रेडी हो जाएंगे। और ठंडी है हमारी यहाँ पे अभी तक, थोड़ी ठंडी है, इसलिए हमने रात में इस बेटर को रेडी कर लिए थे, और सुबह तक हमारी बेटर जो है फूल चुकी थी और रेडी हो चुकी थी खाने के लिए। तो देखिए, हम थोड़ा थोड़ा करके देखिए बेटर को डाल देंगे इडली की बर्तन में। तो देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत सुंदर बनी थी। तो देखिए, अब मैंने एक इडली का स्टैंड ले लिए, तो इसमें एक एक करके इडली की बर्तन इसमें रख देंगे और इसकी जो बोल्ड है उसको लगा देंगे। तो हमारी इडली बन पकने के लिए रेडी हो चुकी है। तो देखिए, हमने कुकर ले लिया, तो कुकर में हमने डेढ़ कप चाय की जो कप है उसमें डेढ़ कप पानी डाल दी है। तो अब मैं इसके अंदर रख देती हूँ इडली का बर्तन। तो देखिए, हमने आराम से इडली का बर्तन रख दिया और हमने कुकर की ढक्कन लगा दी, तो कुकर के ढक्कन से हमने सीटी निकाल दी है, इसके जो बीसेल है उसको निकाल दिए और फुल फ्लेम में हमने रख दिए। जब हमारी इडली थोड़ा सा पकने लगेंगे तो इसकी कुकर की जो बीसेल की जो वहाँ से हवा निकलने लगेंगे, तो थोड़ी गैस का फ्लेम धीमी कर देंगे और 5 मिनट में हमारे एक ही बनिए 5 मिनट में हमारी इडली बनके रेडी हो जाती है। तो देखिए, मैं एक स्पून घुसा के दिखा रही थी, तो हमारी स्पून जो है बिल्कुल क्लियर निकल आए, तो हमारी इडली जो है पक के रेडी है। तो देखिए, हमने कुकर से देखिए हमने इडली के बर्तन निकाल लिए और हमारी इडली जो है खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो देखिए, मैं गरम गरम इसमें से निकाल रही थी, तो थोड़ा बहुत हमारी इडली टूट रही थी, क्योंकि ये गरम गरम निकाल रही थी, सुबह का टाइम है, ये ब्रेकफास्ट है, बिल्कुल टाइम नहीं थी, तो मैं बहुत जल्दी कर रही थी। तो देखिए, आप इसको ठंडा होने के बाद निकालोगे ना, आपकी इडली जो है बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बिल्कुल मतलब क्लियर हमारी इडली निकल आएंगे। तो देखिए, दूसरी बार मैं इडली इसमें डाल देती हूँ कुकर में, थोड़ा सा पानी डाल दूंगी आधा ग्लास के आसपास। तो देखिए, हमारी इडली दूसरी बार हमारी इडली रेडी है। देखिए दोस्तों, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और सच में दोस्तों क्या बात है, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप भी प्लीज़ अपने घर में ऐसे बनाइए, इंजॉय करिए और मुझे बताइएगा ज़रूर आपके घर में आपने कैसे बनाई है। तो देखिए कितनी हमारी क्लियर इडली निकल के आ रही है, बहुत देखिए बहुत सुंदर, देखिए कितनी स्पंची बनी है और कितनी फूली फूली हमारी इडली बनी है। तो देखिए, आपको देख के ही लग रहा होगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और
प्लीज़ अपने घर में ऐसे बनाइए और मुझे बताइएगा जरूर कैसे बनी है। तो हम नारियल की चटनी के संग हमारी इडली को एंजॉय करेंगे। तो आप भी खाइए, बनाइए और मुझे बताइएगा जरूर। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के संग, तब तक के लिए श्री राधे, जय श्री कृष्णा।